इस वक्त मैं बक्सर लोकसभा में मौजूद हूँ और इसी लोकसभा से रामगढ़ विधानसभा का चुनाव होना है। मैं यहाँ पे कुछ पत्रकार साथियों से मैं बात करूँगा रामगढ़ के चुनाव को लेकर, जो उपचुनाव होने वाला है। ये ईटीवी के पत्रकार देखिए, बिल्कुल जो चार जो उपचुनाव विधानसभा पर होने वाले हैं उसको लेकर के जो सभी तमाम जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। चूँकि हरियाणा का जो चुनाव परिणाम आया है वो कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए के लिए बूस्टर डोज का काम किया है और अति उत्साहित भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं पूरी चारों के चारों उपचुनाव के सीट को जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि सामने जो विधानसभा चुनाव 2025 में होनी है उसको लेकर के तैयारी है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे पूरी समीकरण को, तो जो जिस कैमूर के हम राजपुर की बात कर रहे हैं, रामगढ़ की बात कर रहे हैं, वहाँ जादव बहुल इलाका है। जादव के बाद सबसे जो ज़्यादा वोट है वहाँ पर रविदास की वोट है, मुसलमान की वोट है। तो आप जब इस तरह से देखेंगे राजपूतों की वोट है, तो जब जातिगत आधार पर आप जब देखेंगे वहाँ के, तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो खाली हुआ है अभी विधानसभा से, तो वो बाबू साहेब यानी राजपूत कोटे से ही जो विधायक थे वहाँ पर, ये सुधाकर सिंह थे, उनके बाद वहाँ पर चुनाव होने वाला है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो विपक्ष पर हमले हो रहे हैं, जो हरियाणा का चुनाव परिणाम आया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि ये सीट को जीत करके और जो इनके कार्यकर्ता जो डिमोरलाइज हुए हैं उनके मनोबल को बढ़ाना, ये तेजस्वी यादव का जो मोटो है वो सबसे आगे है। यही कारण है कि चारों जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं उस पर महागठबंधन के जो नेता है पूरी दमखम के साथ। लेकिन इसी में आप जब देखेंगे तो एनडीए के जो नेता हैं वो भी गिने चुने उम्मीदवार देखेंगे कि जो तरारी विधानसभा पर सुनील पांडे के बेटे को दे दिया गया है, तो दमखम वाले जो एनडीए के जो नेता हैं वो भी दमखम वाले उम्मीदवार को दे रहे हैं। लेकिन जब पूरी चुनावी समीकरण आप देखेंगे तो इस बार जो जनसुराज, जो प्रशांत किशोर ने जिस जनसुराज पार्टी का ऐलान किया है और जो उनके चार सीट पर चुनाव लड़ने का भी घोषणा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों के जो दोनों गठबंधन उनके लिए लिटमस टेस्ट है, क्योंकि प्रशांत किशोर को हम किनार नहीं कर सकते हैं। आज देखेंगे कि गांव-गांव में जनसुराज का प्रचार हो रहा है, जिस तरह से पूरी दमखम के साथ जनसुराज लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों गठबंधन के लिए चुनौती, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जीत तो आसान नहीं है तो बड़ी मुश्किल भी है, ये कह सकते हैं आप। वैसे अभी बीजेपी ने जैसे कैंडिडेट अपना घोषित कर दिया है रामगढ़ में, अशोक सिंह को कैंडिडेट घोषित किया है, उनके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए व्यक्तिगत आप देखेंगे कि इससे पहले वाला जब चुनाव में आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पर आई थी और तीसरे स्थान पर इनके कैंडिडेट चले गए थे। लेकिन जो जन सुराज आया है तो कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे कि सुधाकर सिंह की जो जीत हुई थी 189 वोट से हुई थी, मतदाताओं की बात करेंगे तो 290,000 करीब वहाँ पर मतदाता हैं और जातीय समीकरण तो मैंने पता है कि, और आज जब आप बात करेंगे महागठबंधन की तो एम वाई समीकरण का बदौलत ही जो महागठबंधन के लोग हैं वो चुनाव में जाते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि यादव की संख्या वहाँ पर है, रविदास की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है, मुसलमानों की संख्या है, राजपूतों की संख्या है, तो इस आधार पर आप देखेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट है वो निजी उनकी छवि हो सकती है, लेकिन महागठबंधन के जो नेता हैं उनकी पूरी कोशिश होगी, चूँकि बक्सर लोकसभा क्षेत्र में वो सीट आता है और बक्सर लोकसभा क्षेत्र में देखेंगे तो अभी राजद के सांसद हैं यहाँ से, बक्सर के जो आप आसपास की जब सीट देखेंगे तो उसमें महागठबंधन के कब्जे में अधिक सीट है, तो कहने का इसका असर तो दिखाई देगा। तो क्या लगता है कि इस बार मुकाबला बहुत रोचक होगा? देखिए मुकाबला रोचक प्रशांत किशोर ने बना दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से आइडियोलॉजी लेकर के आए हैं, नए नए सगुफा दिए हैं लोगों को, अधिक से अधिक संगठन को अपने मजबूत कर रहे हैं, जोड़ने में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर दोनों लोगों के खेल बिगाड़ने में सफल होते दिखाई दे रहे हैं अभी तक। जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर खेल बिगाड़ सकते हैं, आइए हम आगे आज तक के पत्रकार से बात कर रहे हैं जो अभी कवरेज भी कर रहे हैं रामगढ़ को। बताइए क्या रामगढ़ में कैसा अभी चल रहा है समीकरण वगैरह, जैसे आप कवरेज भी कर रहे हैं इस दौरान रामगढ़ को लेकर, तो आप कुछ उसके बारे में बताएं। वहाँ पर समीकरण जो है मुख्य रूप से जातिगत ही लड़ाई है। पिछली बार सुधाकर सिंह जीत कर आए थे अंबिका यादव को हरा कर, काफ़ी कम मार्जिन से वहाँ पर जो है परिस्थिति चल रही है। आप अगर आंकड़ा देखें तो 183 वोट से सुधाकर सिंह अंबिका यादव को हरा कर जीते थे। लेकिन अशोक जो सिंह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस बार भी बने हुए हैं, वो भी वहाँ पर उतने ही कम मार्जिन से तीसरे पोजीशन पर थे। तो सबसे बड़ी बात है कि रामगढ़ का जो भी चुनाव पिछले विधानसभा में रहा है वो काफ़ी कम मार्जिन से रहा है, बहुत नज़दीकी लड़ाई रही है। और दूसरा चीज़ कि इस बार लोकसभा में आप देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भले लोकसभा हार गई लेकिन वहाँ जो विधानसभा क्षेत्र था वहाँ से लीड पर थी। तो कुल मिलाकर आसान नहीं है। और तीसरा चीज़ जनसुराज की चर्चा जो हो रही है बार बार, तो वो जरूर है कि जनसुराज किसका खेल बिगाड़ेगा वो तो देखने वाली वक्त है। प्रत्याशी जो भी उसका आएगा उसके बाद तय होगा किसका खेल बिगाड़ेगा, लेकिन ये तय है कि खेल जरूर किसी न किसी का बिगाड़ने वाला है।
वैसे राजद और बीएसपी दोनों यादव कैंडिडेट वहाँ उतार रहे हैं, तो उससे कुछ राजद को नुकसान होगा क्या? बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान थोड़ा मोड़ा होगा, लेकिन एक जो समीकरण है ना, MY समीकरण जो वहाँ काम करता है, वो जरूर इस बार काम करेगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका वोट बैंक कहीं से नहीं घसका है, वो अपने वोट बैंक पर वहाँ पर अड़ी गए, लेकिन जो अदर वोट है, जो मुसलमान है, वो भी उधर ही जाएंगे, वो इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन जो अदर वोट है, जो जिसको नीतीश कुमार ने लालू जी से छीन कर अलग कर दिया, वो वोट आज भी क्या वाकई राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, ये तो देखना तय है। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी, BSP और राष्ट्रीय जनता दल के बीच त्रिकोणीय और नजदीकी संघर्ष होने वाला है। देखिए, जैसा ये बता रहे थे कि त्रिकोणीय समीकरण वहाँ पे होने वाला है और लगता है कि मुकाबला रोचक होगा। अभी हम आगे बात करेंगे न्यूज नेशन के पत्रकार से, रामगढ़ के बारे में आप कुछ बताइए। जी, रामगढ़ के बारे में, रामगढ़ में तो देखिए उपचुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उपचुनाव जो है अब बिहार की राजनीति को एक अलग दिशा देगा। अब देखिए, इसमें अगर विपक्ष जीतता है तो निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में उसका जो है हौसला बुलंद रहेगा, और अगर सरकार के पास भी एक ये है, मतलब चैलेंज है कि सरकार इस सीट को कैसे बचा ले। अब आपने जो जातिगत बात अभी कही, कुछ मित्रों ने जातिगत बात कही, तो निश्चित रूप से जातिगत फैक्टर बिहार के चुनाव पे हावी होता है, लेकिन बार बार जनसुराज यह कह रहा है कि इस फैक्टर को वो तोड़ देगा और वो एक अलग तरह की राजनीति की बात, विकास की राजनीति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ का चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। लेकिन हाँ, ये उम्मीद अभी भी बनी हुई है कि बिहार की जनता ने आज तक जो किया है, आज तक अगर वो जातीय समीकरण से नहीं हटी है, तो आज जातीय समीकरण से हट जाएगी। इस तरह का कोई चमत्कार होना अभी लग नहीं रहा है कि ऐसा हो पाएगा। जैसा कि टिकट बंटवारा हुआ है, अभी बीजेपी ने भी दे दिया है टिकट और BSP ने भी टिकट वहाँ पे दे दिया है, तो और RJD के लिए अजीत सिंह का नाम चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कुछ ना, मैंने कहा ना कि जातिगत, तो आप देख लीजिए कि BSP और BJP के टिकट को आप देख लीजिए, टिकट बंटवारे से समझ में आ जाएगा। रह गई बात की अजीत जी को तो आना इसलिए है कि वो जो अपनी खानदानी विरासत है उसको बचा सके, तो ये भी है कि कहीं ना कहीं ये हावी और प्रभावी रहेंगे वहाँ पे। लेकिन अब ये कहना मतलब एकदम संभव नहीं है कि कौन वहाँ से विजयी हो जाएगा और कौन जीत जाएगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, हमारे पत्रकार साथियों ने कहा कि रामगढ़ का मुकाबला इस समय दिलचस्प हो गया है, क्योंकि दो पार्टियों ने एक ही जाति के लोगों को उतार दिया है। लोकल 18 के लिए संजय कुमार बक्सर,